हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है और मैं बिल्कुल सुबह सुबह ड्यूटी जाने के लिए रेडी हूँ। और देरी हो रही है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं बाहर के नज़ारे आप सबों को दिखला देती हूँ। और मेरे साथ साथ आज आप लोग भी, अरे बारिश पानी खोलने लगे। इधर लीची फले हुए हैं, है ना। तो चलिए, और हाँ, आज जो है वो मैं अभी कुछ दूर पैदल जाऊंगी क्योंकि सर जी का नाइट शिफ्ट है। और फिर सर जी हम मुझे पिकअप करेंगे और बस स्टैंड तक छोड़ेंगे वो, उसके बाद मैं बस से जाऊंगी। तो चलिए आज बने रहिए। एक बात, हाँ, वीडियो मैं सुबह सुबह इसलिए शुरू की कि आज से हमारे विद्यालय में बच्चों की छुट्टी हो गई है, बट हम लोगों को जाना है तो मैं उसी के लिए रेडी हूँ जाने के लिए। और क्या क्या करते हैं, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे काम रहते हैं तो उन सब कामों को निपटना है। रिजल्ट कंप्लीट है पर आज बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, चलिए वहाँ चल करके आप लोगों को मिलाते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना। तो आएंगे तो जरूर ही, और रिजल्ट लेने के बाद उन सबों की छुट्टी की घोषणा कर दी जाए। चलिए फिर आप लोग बने रहिए, और यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए बने रहिए, अभी मैं पैदल जाऊंगी इसलिए बंद करती हूँ इसे, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं तो सर जी पहुँच गए थे। 30 मिनट पैदल चलने के बाद सर जी पहुँचे और बाइक से लेकर के जाते हुए, और ये खूबसूरत नज़ारे हमारे बोकारो का। और ये कोई नई बात नहीं है, इन रास्तों को, इन राहों को, इन जगहों को, इन खूबसूरतियों को मैं हमेशा हमेशा बताती हूँ। और सर जी जिस तरीके से मुझे ले करके जा रहे हैं, और कितनी मतलब कि वो साई साई की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी आप सब उनको, आप लोग सुन पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए बने रहिए, और मैं कुछ देर के बाद में, ये पूरा देख रहे हो पूरा उलझ गया है हवा से, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और कुछ समय के बाद मैं बस में पहुंच गई थी, और ये बस के नज़ारे हैं। यहाँ बस में ये बज रहे थे गाना, है ना। तो बस की सवारी करने के बाद फिर मैं पहुंच जाती हूँ, फिर वहाँ क्या होता है चलिए आप लोग बने रहिए और सुनिए। और इस विद्यालय में पहुंच गए, देखे बच्चे लोग, जबकि बच्चों को नहीं आना है पर आज सूचना नहीं मिली है तो बच्चे लोग अभी पहुंच रहे हैं। और इधर हमारे विद्यालय की खूबसूरती, और यहाँ सारे टीचर गए। मैडम गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, सब अभी काम में व्यस्त हैं। सर आप भी बोलिए, देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए, और अब आज रिजल्ट देंगे हम लोग बच्चों को, तो दिखलाते हैं कि बच्चों को रिजल्ट कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को दिखलाएंगे। और इस गर्मी में भी ये फूल वगैरह जो है बहुत सुकून और राहत देती है हम सबों को, ठीक है। और बहुत सारे पौधे हैं जिससे कि मैं बार बार दिखलाती हूँ। देखिए ये सब शांति लता ना माधुरी लता, क्या बोलते हैं भाई। कम से कम बच्चों का टाइम कम कर देते, 10 बजे तक बच्चों को छुट्टी हम लोग दे देते, है कि नहीं। क्योंकि बच्चों के बिना विद्यालय, बाप रे, बहुत मुश्किल होता है, कितनों काम है, लेकिन बच्चे हैं, खलबल खलबल होते रहता है ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं। इधर और जो अड़हुल के पौधे हैं उसमें देखिए, ये थोड़ा कैसे बोले, लाइट कलर का है, और उसके पीछे जो दिखाई पड़ रहा है वो रेड कलर का। और एक और अभी नया फूल खिला है, वो मैं बैक कैमरे से आप सबों को दिखलाती हूँ, जिसे कहते हैं अमलतास का फूल, है ना, जिसे कहते हैं अमलतास का फूल या पौधा। और हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें कहा जाता है बंदर लौरी। तो कौन कौन बंदर लौरी से जानते हैं और कौन कौन अमलतास से जानते हैं, मैं बैक कैमरे से दिखलाती हूँ आप सबों को, ठीक है ना। ये पूरा खिल गए हैं। अच्छा, थोड़ा अच्छा से नहीं आ रहा, मैं
उधर से अच्छा से नहीं दिखाई पड़ रहा था, है ना। तो ये है पत्ता और फूल, येलो कलर का फूल है, ठीक है ना। कौन कौन जानते हैं। अब जो है फोर क्लास को अगला क्लास जाने का मौका आ गया, समय आ गया, है ना। और थ्री क्लास को भी अगले क्लास में जाने का समय आ गया। क्या तो आज रिजल्ट है आप सभी का, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और आप लोग अच्छी तरह से आगे अपनी पढ़ाई को कीजिए। और दूसरी बात है विद्यालय क्या करना है, आना है, इस तरीके से प्रतिदिन, है ना। तो चलिए अब रिजल्ट सबका देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तीसरे क्लास, है ना। तो तीसरे क्लास में आप लोगों का फर्स्ट आया है हिमांशु, ताली बजाइए। 87% और अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, हाँ खुश रहो। सेकेंड आया है मुकेश, आया है चलो सब पीछे से लाइन लगाओ। प्रकाश सर आप ही रहिए, चलिए ऐसा नहीं है।
सबका आना चाहिए। अच्छा सुनो इधर, गर्मी पड़ गया है ना रे, सरकार का आदेश हुआ है कि जब तक गर्मी रहेगा तब तक छुट्टी रहेगा बच्चा लोग को, ठीक है। जब आदेश आएगा या पानी गिरेगा, मौसम ठंडा होगा, खबर करेंगे सबको, तो लोग कलेक्टर आना, सब खबर हो जाएगा और आना हाई स्कूल, ठीक है। कोई डेट निर्धारित नहीं है, कभी भी खुल सकता है। मतलब 15 दिन, 1 सप्ताह के बाद भी खुल सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 4 दिन बाद भी खुल सकता है, 15 दिन बाद भी खुल सकता है, महीना दिन भी ले सकता है, 3 दिन में भी खुल सकता है। बात समझ में आ गया? अच्छा सुनो, स्पेशल छुट्टी है ये गर्मी के लिए, कल से स्कूल नहीं आना। बाय बाय, हैप्पी होलीडे, जाओ जोर से बोलो तब। Bye.